नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं बिहार का सबसे बड़ा यूट्यूब न्यूज चैनल लाइव स्टडीज। इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग खबर यह है कि शत्रुघ्न सिन्हा कल कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। शत्रुघ्न सिन्हा कल दिल्ली में दफ्तर में कांग्रेस में शामिल होंगे। आपको बता दें इससे पहले कि वो 28 तारीख को शामिल होने वाले थे, लेकिन लगातार उनकी ज्वाइनिंग डिले की जा रही थी। अब ये खबर साफ तौर पर स्पष्ट हो गई है कि कल वो दिल्ली में शामिल होंगे। आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि पटना साहिब की सीट पर कौन लड़ेगा, लेकिन ये लगभग तय है कि शत्रुघ्न सिन्हा ही कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे, वही पटना साहिब से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें थोड़ी देर पहले लाइब्रेरी से बात करते हुए मदन मोहन झा ने ये बताया है पटना एयरपोर्ट पर कि कल शत्रुघ्न सिन्हा की ज्वाइनिंग कांग्रेस में होने वाली है। आपको बता दें इससे पहले लगातार उनकी ज्वाइनिंग को डिले किया जा रहा था, वजह साफ थी। उस वक्त महागठबंधन में उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ था। अब चूंकि उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है, बस पटना साहिब सीट से। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस में कल शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा मदन मोहन झा ने कई मुद्दों पर बात की है। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पर आधारित पुस्तक गोपालगंज चौरासीना हिल पर भी अपना बयान दिया। दरअसल इस किताब में मेंशन है कि नीतीश कुमार के दूत ने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की थी जेडीयू और आरजेडी गठबंधन टूटने के 6 महीने बाद। और नीतीश कुमार के दूत ने सिर्फ लालू प्रसाद यादव से ही नहीं बल्कि कि कांग्रेस के लीडरों से भी मुलाकात की थी। इस पर बयान देते हुए मदन मोहन झा ने कहा है कि मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि नीतीश कुमार ने दूत ने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है या नहीं, कि है उस जानकारी नहीं होने की वजह भी मदन मोहन झा ने बताई। उनका साफ तौर पर कहना था कि क्योंकि उस वक्त मैं बिहार के प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नहीं था, इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। आगे आप वीडियो में देखिए, मदन मोहन झा ने शत्रुघ्न सिन्हा के शामिल होने को लेकर साथ ही लालू की आधारित पुस्तक पर क्या कुछ बयान दिया है। पालगंज टू रायसीना है, उस किताब में मेंशन किया गया है कि नीतीश कुमार के दूत ने कांग्रेस नेताओं से भी मुलाकात की थी, और उस मुलाकात का मजमून ये था कि नीतीश कुमार की पार्टी फिर से आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन में शामिल हो जाए। अच्छा, वो मुझे भी इस बात की जानकारी मिली है किताब के बारे में, उसमें वो क्या कहना है उसके बारे में तो हमारे नेता लालू प्रसाद यादव ही बता सकते हैं डिटेल। नहीं, आप कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, क्या नीतीश कुमार के दूत ने मुलाकात की थी कांग्रेस के नेताओं से गठबंधन फिर से बनाने को लेकर? मेरी उस समय पुरानी बात होगी, उस समय हम अध्यक्ष नहीं थे, इसलिए मुझे इस बात की जानकारी नहीं। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि शत्रुघ्न सिन्हा कब ज्वाइन होने वाले हैं कांग्रेस? लेट हो रहा है सर। शत्रुघ्न सिन्हा जी कल ज्वाइन करेंगे। कहाँ, पटना में या दिल्ली में? दिल्ली में।